करीब 90 दिन हो गया है लेटरल सर्जरी के, 90 दिन के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले ये एक्सरसाइज है, एक कोई भी पाइप लेना है प्लास्टिक का, और उसके बाद हाथ से पकड़ना है उल्टे हाथ से, और जितना हो सके जितना ऊपर ले जाने की कोशिश करें। अपन चाहे तो दीवार के सारे भी खड़े हो सकते हैं, दीवार के सारे, और अपन करें 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, उसके बाद वापस नीचे लाना है। जितना हो सके उतना पीछे ले जाए, दिन में 3 बार करें, 10-10। पाइप बिल्कुल हल्का ले प्लास्टिक का, इस प्रकार से उल्टे हाथ से अपने 10 की, अब अपन सीधे हाथ से 10 करेंगे। जितना हो सके उतना ऊपर रखें, 10 सेकंड तक रखें, उसके बाद वापिस नीचे लाएं, फिर 10 सेकंड रुकना है, फिर वापिस ऊपर आना है, ऊपर भी 10 सेकंड तक रखना है। ये दिन में 3 बार करनी है, 10-10 सेकंड तक का गैप रखना है, उसके बाद वापिस नीचे रहना है। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज, इस प्रकार को पाइप को पीछे से पकड़ना है और धीरे 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 पीछे लाने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना गैप बनाने की कोशिश करें, 10 सेकंड तक रखें। दिन में 3 बार करें, हर बार 10-10। एकदम सीधे रह के पीछे दस दस करें इस प्रकार। फिर ये है, दोनों हाथों को नजदीक लाना है, फिर हाथ को ऊपर आना है, 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, उसके बाद वापिस नीचे लाना है। फिर वापिस ऊपर, इस प्रकार के एक्सरसाइज आप 10-10 सेकंड से ऊपर नीचे करें, और दिन में 3 बार करें, 10-10 यानी कि 30। उसके बाद एक ये भी है, जैसे ये सर्जिकल हैंड है, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, तो इसको हो सके जितना ये भी एक्सरसाइज करें, थोड़ा पावर के थ्रू ऊपर भेजें, फिर वापिस पावर के थ्रू ऊपर फिर वापिस नीचे। टेन सेकेंड तक होल्ड रखना है, दिन में 3 बार करें, 10-10 सेकेंड का गैप रख के
दोस्तों ये मेरे लेटरडेस सर्जरी हुई हुई है, रियल ऑपरेशन है, और इसमें हमेशा जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वो वही बता रहा हूँ जो मैं खुद डॉक्टर की सलाह से कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।